चार भाई, एक भाई 55-60 का होगा, उनका बाप भी मिला, भाइयों का बाप भी मिला, और चारों भाई साथ में रहते, मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ। ये संस्कृति के संस्कार, क्योंकि उनके दादाजी गंगा जी में घंटों भर बैठकर जब ध्यान करते तो पिताजी नारायण नारायण नारायण, काम काज अच्छा चलता है, सुखी है, चार भाई एक साथ रह रहे मुरादाबाद में और भी कई जगह पर, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का आश्रय लिया, वे उदारात्मा बुद्धिमान होकर बहुएं भी साथ में रह लेती और भाई भी साथ में रह लेते हैं, और उनके बेटे देश विदेश में पढ़ते हैं, बेटे और बेटे मतलब वो भी 20 साल के, 18 साल के, 21 साल के ग्रेजुएट बेटे भी, दादा भी है, बाप भी है, पोते भी हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का मैं क्या संस्कार नहीं होता तो चार भाई इतने साथ में नहीं रह सकते। विदेशों में तो पति पत्नी भी साथ नहीं रह सकते, और एक अंधा कानून बनने जा रहा है, पति पत्नी न भी हो केवल साथ में रहे तो कानूनी ढंग से उनको मान्यता मिल जाती है, इससे व्यवस्था चरमरा जाएगी, नारियों के साथ अन्याय हो जाएगा, नरों के साथ जुलम हो जाएगा, बच्चे बेचारे आवारा हो जाएंगे अगर ये कानून पास हो गया तो। विदेशियों का अनुकरण करके अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसी अंधी छूट छाट देकर वोट बैंक ना बनाए, भारत की रीढ़ मजबूत रखे, क्योंकि कुछ वर्षों में भारत की नकल करके विश्व के लोग सुखी होंगे। तुम भारतीय संस्कृति के शादी परंपरा को क्यों गला घोंटते हो? शादी परंपरा में जो बंधते हैं उनका एक दूसरे के प्रति कर्तव्य उत्तरदायित्व हो जाता है, और बच्चों को उन्नत करने में भी दोनों सहभागी हो जाते। मैंने अखबारों के द्वारा सुना, मुझे लगा कि जनता को कहूं इस कानून में स्त्री का भी हानि है, पुरुष का भी हानि, और आने वाले बच्चों की भी हानि। ये जो परंपरा हमारी चली है शादी विवाह की मर्यादा की, इससे संयम का भी काम होता है। रिलेशन कानून नुकसान करेगा, महाराष्ट्र में चलेगा फिर देश भर में आएगा, देश भर के लोग, खैर मैं बताऊंगा बात आपको सत्संग की, वो कैसा व्यापारी है। बुद्ध के शिष्यों के अंतःकरण में स्फूर्ण कर दिया, महापुरुष के आगे मौनी होकर मत बैठो, कुछ पूछो, जीव का उपयोग करो, उनकी बुद्धि का फायदा लो। बुद्ध से शिष्यों ने पूछा कि भंते सबसे ज्यादा ठोस ये चट्टान ही तो है। बुद्ध ने कहा नहीं वत्स, इससे ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली लोहे की चट्टान लोहा। लोहे का थोड़ा सा हथौड़ा इस चट्टान को तोड़ देता है, वो लोहा नहीं टूटता, चट्टान टूटती। बोली लोहा, लोहा से भी कोई ज्यादा प्रभावशाली, लोहे को भी मात कर दे, ऐसी भी कोई ठोस चीज है या ऊंची चीज है? बोले हाँ, अग्नि लोहे को पिघला देती है, मोड़ देती है, मोड़ने के काबिल कर देती है। अग्नि से भी भंते कोई ठोस है, कोई प्रभावशाली? बोले हाँ, पानी, पानी के एक बूंद का मिश्रण से मनुष्य बन जाता है, पानी से पेड़ पौधे वृक्ष और जीवन संचार, और अग्नि को ठंडा कर देता है, अग्नि बुझा देता है पानी, फायर ब्रिगेड वाले पानी की पिचकारी लगा देते हैं, अग्नि को नियंत्रित कर देते। बोले इस पानी से भी कोई ठोस है? बोले हाँ, वो वायु। लाखों करोड़ों गैलनों लिए हुए पानी बादलों को, उस पानी को वायु ले भागती, किधर का किधर जा फेंक, वायु से ज्यादा शक्तिशाली।
बनते वायु से भी कोई ज्यादा प्रभावशाली शक्तिशाली है। बुद्ध ने कहा वत्स, तुम सर्वोपरि शक्ति के विषय में पूछना चाहते हो तो वो है संकल्प। संकल्प वायु को भी घुमा देता है, वायु का भी उपयोग कर लेता है। संकल्प ये 8 और 9 तारीख को मुरादाबाद में मैंने इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डाला। 10 तारीख अखबारों में आया कि ताइवान में एक सांप को खाने के लिए चूहा दिया गया, पिंजरे में रखा गया, और सांप भूखा सांप जो चूहे की तरफ बढ़ा तो पिंजरे में पड़ा पड़ा सांप चूहा देखा कि अपने सिर पर आ गई है और चूहे ने ठान ली वो निकला। सांप उसको पकड़ के स्वाहा करने के लिए आगे बढ़ा तो चूहे का संकल्प उस पर हावी हुआ। एक बार में संकल्प शब्द नहीं है, मैं अब मिलावट कर रहा हूं थोड़ी। दैनिक जागरण आदि में मेरे को किसी ने पढ़ के सुनाया था अखबार। चूहा 30 मिनट तक सांप से जूझता रहा और चूहे का शिकार करने वाला सांप खुद चूहे से शिकार हो गया। क्या संकल्प की कथा चली और कहां ताइवान की बात मेरे तक पढ़ने में आई, सुनने में आई। मतलब चूहा भी ठान लेता है तो काल को मात कर देता है। बुद्ध की बात से हम यहां तक सहमत तो हैं, लेकिन मेरा मन रुका नहीं। मैंने सोचा कि बुद्ध के शिष्यों ने पूछकर चुप कर ली होगी, लेकिन इससे भी कुछ ठोस है। मुझे तुरंत हुआ वो कैसा बनिया है, कैसा व्यापारी, मेरे हृदय को प्रेरित किया उस परमेश्वर। संकल्प सर्वोपरि है, वो बुद्ध के शिष्यों तक कथा पूरी हो गई, लेकिन मेरे हृदय में कथा और आगे बढ़ाई उस कथाओं के अधिष्ठाता कि संकल्प से भी कोई और है, जहां से संकल्प फलते, फल फल कर सफलता पाते और सफल चीजें छोड़कर सफल व्यक्ति मर जाता है, फिर भी जो नहीं मरता वो कौन है। और कई संकल्पवान धरती पर पैदा हुए और चल बसे, फिर भी ये सृष्टि चल रही है। वो उन सबसे ऊंचा और ठोस है। खोजो, जिनके बहुत संकल्प होते हैं उनके संकल्प कमजोर रहते हैं, जिनके संकल्प शांत होते हैं उनके संकल्पों में बल होता है, ये मैं जानता हूं। तो संकल्प शांत होने से संकल्प में बल आता है, जहां से वो संकल्प से बड़ा है। मैं इस निष्कर्ष पे आ गया, जितना निसंकल्प उतना उस पुरुष के संकल्प में सामर्थ्य। ब्रह्मा जी समाधि लगाते हैं, वर्षों भर निसंकल्प रहते हैं, सृष्टि कर लेते हैं। भगवान नारायण देव शयनी एकादशी अभी तक निसंकल्प में शयन कर रहे हैं, और फिर देवजगी एकादशी 4 महीने पूरे होंगे, फिर पालन का संकल्प फेंक देंगे और जीवों की पालना होती रहेगी। हम भी निसंकल्प रहे, इधर देर से क्यों आए। जितनी देर सुबह निसंकल्प ध्यान रहा उतनी देर, बीच में संकल्प होते फिर तो उस नियम को करके आए, तभी आप लोग मेरे लिए पलके बिछा कर बैठे। आप केवल शब्द सुनने के लिए इतनी पलके नहीं बिछा सकते, मेरा भाषण सुनने के लिए इतनी भीड़ मेरी दीवानी नहीं हो सकती है। लाखों करोड़ों लोग मुझे स्नेह करते हैं, उसके पीछे मेरा कोई आयोजन नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, और मेरे पास कोई ऐहिक दुनिया की सत्ता नहीं। फिर भी कौन सी सत्ता है जो करोड़ों लोगों को आनंदित करती है, आंदोलित करती है और बापू के प्रति सब कुछ करने को तैयार है, ये कौन सी सत्ता है। एक अखबार ने लिखा, मेरे पास किसी ने पढ़ा, मैं अखबारें नहीं पढ़ता, टीवियां नहीं देखता, कोई जरूरी बात है कोई ले आता है ऐसा है, जरा देख लिया, नहीं तो नहीं देखता।
मैं अपना सत्संग आ रहा है वो भी 6-12 महीने अथवा 4 महीने में कोई जरा सा देखा होगा तो देखा होगा, औरों का भी नहीं। मैं अपने निसंकल्प नारायण से मस्त रहता तो दुनिया में मेरे श्रोता भी उतने ही तेजी से उन्नत हो रहे, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बेटे हो, चाहे माइयां हो, चाहे भाई हो। अरब का वो बंदा आया 2 दिन के लिए हिंदुस्तान और सत्संग में बैठा तो 11 दिन मेरे पास रहा। उसने क्या क्या उद्गार किए। ऐसे कोई कहीं से भी आ जाता है और कोतूलवश भी आ जाता है तो फिर वो अपना प्रोग्राम बदल कर मेरे ध्यान में, ध्यान योग शिविर में, कार्यक्रम में 2-2, 4-4 दिन बिताता है तो मेरे पीछे पीछे लग जाते। इसके पीछे ये ठोस क्या संकल्प है कि ये मेरे पीछे लगे? कत्ते ही नहीं। अगर ऐसा करूं तो मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं, मैं खप जाऊं, पट जाऊं। मैं कोई संकल्प नहीं करता। जहां कोई संकल्प नहीं है वो उस संकल्प से बहुत ऊंचा ठोस है, ऊंची शक्ति। जहां संकल्प सफल होते और सफलता छू छू कर संकल्प मिट जाते, फिर भी जो नहीं मिटता है मुझे वो आत्मदेव परम ठोस लगता है, परम शक्तिशाली। ना भी लगे तो भी है। उस प्रभु को मेरे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि प्रभु आप सबसे बड़े, संकल्पों से भी बड़े अंतर्यामी परमेश्वर आप। आप में कई सृष्टियां खदबदा रही है, आप में कई सूर्य और कई आकाश गंगाएं लहरा रही है। हमारे संकल्प व्यवहार जगत में भले हम कह दें सबसे बड़ा संकल्प है, लेकिन प्रभु संकल्पों को बल देने वाले आपसे बड़ा संकल्प नहीं हो सकता है। मैं तो इस नतीजे पे आया हे निसंकल्प नारायण, हम आप में शांत हो जाए। ओम का उच्चारण करो निसंकल्प। कबीर जी ने भी अनुभूति की होगी। कबीर जी कहते हैं भला होया हरी बिसरे, सिर से टली बला। ये निसंकल्प का संकेत कर रहे हैं। वैसे तो पूरे कबीर जी के साहित्य में हरि की महिमा गाइए, हरि सुमरण करो, जीवन नहीं तो व्यर्थ है। लेकिन कहीं हरि सुमरण करते करते उस सुमरण का संकल्प बनाना रहे, निसंकल्प में आ जाए, इसलिए कबीर जी को ये कहना पड़ा भला होया हरि बिसरे। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हले न जीवा होट, निसंकल्प के तरफ इशारा। ऐसे श्री कृष्ण जी ने कहा गीता में, त्रय विदया त्रय विषया वेदा निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। सर्व संकल्प त्यागी वो परम योगी है, ऐसा कृष्ण ने कहा। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निराग निरचाक्रिया, यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न सन कल्प त्यागी बहुत ही क्वेश्चन। संकल्प का त्याग के बिना कोई योगी नहीं होता। मुझे लगता है कि एक ऐसी भी अवस्था है जहां संकल्प को भी महत्व ना दो। समत्व योगम उच्चते, श्री कृष्ण कहते हैं तपस्वी से योगी ऊंचा है। तपस्वी का संकल्प है कुछ पाने का, कुछ बनने का, आकर फिर गिरेगा, बनकर फिर बिगड़ेगा। कर्मी भ्योश्च अधिक योगी, कर्मी कर्म करके कुछ पाएगा लेकिन वो भोग कर फिर गिरेगा। ज्ञानी भ्योमत अधिका, बहुत विद्वान और ज्ञानी है उससे भी वो योगी अधिक है। और उन योगियों में भी श्री कृष्ण ने साफ कर दिया, योगी नाम अपि सर्वेषाम, उन सब योगियों में मदगते न अंतरात्मना, निसंकल्प हो जाए, मदगत हो जाए। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ता तमो मता, वो श्रद्धावान जो मुझे भजता शांत होता है वो मेरे मन में युक्त योगी है। कर्मियों से, ज्ञानियों से, तपस्वियों से योगी की महानता बताते
और उन महान योगियों में भी परम श्रेष्ठ योगी क्या है, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्थाएं दुखद अवस्थाएं आ के चली जाएगी, लेकिन उसको जो जानता है वो अचल। समत्व योगम उच्चते। मुझे ये हाथ लगा तो मैंने आप तक सुनाने का कर्तव्य मान लिया। भागवत के 10वें स्कंद में आता है कि भगवान बड़े व्यापारी है। कैसे व्यापारी है? अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजाम नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। सर्व मंगल मांगल्यम आयुषम व्याधि नाशनम भक्ति मुक्ति प्रदम दिव्यम वासुदेवस्य कीर्तनम। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में लिखा है सब मंगलों से भी अधिक मंगलमय करने वाला भगवान का नाम। कीर्तन है भगवान नाम का, कीर्तन सब मंगलों से भी अधिक मंगल है, व्याधि नाशक है और दिव्य और भोग मोक्ष देने वाला है। नारद पुराण में भी लिखा है और भी ग्रंथों में लिखा है। तो भगवान का नाम लेकर फिर भगवान जहां विराम करते वहां शांत हो जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। निसंकल्प अवस्था थोड़ी आए, आपके संकल्प में बल आएगा, आयु आरोग्य पुष्ट होगा। तो संकल्प बढ़ा कि संकल्प में बल आता है वो बढ़ा। समझने में देर ना करोगे। संकल्प बढ़ा वो बुद्ध के चरणों में शिष्यों ने जो कुछ जाना वहां तक ठीक, लेकिन मुझे लगता है कि संकल्प जिससे फलते हैं वो कितना बड़ा कितना समर्थ। और फिर भागवत में मिला, मुझे गीता में मिला, मेरे गुरुदेव के चरणों में भी मुझे मिला। मेरे गुरुदेव ने कहा कि इन रिद्धि सिद्धियों को आ जाए तुम दुत्कार देना, कुछ भी नहीं। अभी पता चला कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, फिर भी हनुमान जी निसंकल्प अवस्था ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए राम जी के बिन शर्ती शरणागत सेवक हो गए थे। और राम जी का उपदेश मिला हनुमान जी को, फिर राम जी पूछते अब कैसा लगता हूं कैसा मानते हो? बोले जगत दृष्टया जीवो अहम ईश्वरो त्वम, व्यवहार दृष्टया सेवको अहम स्वामी त्वम, तत्व दृष्टया सोहम, जो आप है वो मैं ही। आप जिस सच्चिदानंद स्वरूप से राम जी है उसी परमेश्वर की सत्ता से मैं। राम जी आलिंगन करते, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान। उन्हीं संकल्प नारायण तुम्हारा आत्मा है। कितने कितने संकल्प आए और पूरे हुए, मिट गए फिर भी जो नहीं मिटा। कितने कितने शरीर मिले और मिट गए फिर भी जो नहीं मिटा। कितने कितने दुख आए मिट गए, सुख आए मिट गए, उनको जानने वाला निसंकल्प नारायण मिटा क्या, मिटेगा क्या? श्री कृष्ण कहते हैं यस्य ज्ञानमयम तप, जिसका ज्ञान युक्त तप है। भक्ति आप जिसकी करते हो उसके प्रति स्नेह पैदा करता है और संसार का आकर्षण मिटाता है। संसार का विषय वासना मिटाकर एक भगवान में भाव ले आता है, ये भक्ति का मार्ग है। अगर ज्ञान मार्ग में जाते हो तो संसार में जहां जहां आसक्ति उनकी तुच्छता बता देता है और ज्ञान प्रकाश सबको बाधित करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो सत है आदि सत जुगात सत है भी सत, नानक हो से भी सत, उस सत में उस चेतन में उस अनंत में आपको जगा देता है।
आग कपड़े की मैल नहीं मिटा सकती, अग्नि कपड़े को जलाती। कपड़े की मैल मिटाना है तो आग की जरूरत नहीं है, साबू पानी की जरूरत है। भक्ति है साबू पानी, अंतःकरण की मैल मिटाती। और वह अंतःकरण वह दिल, दिल भर के आनंद के योग्य, दिल भर के प्रीति के योग्य, दिल भर के रस के योग्य बन जाता है। भक्ति माता का साबुन पानी अर्थात सत्कर्म और सुमरण कथा आदि, इससे हृदय निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, जो निर्मल होते वो मुझे पाते। चल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न भावा। चल छिद्र कपट, व्यवहार में जितना छल छिद्र कपट करके लोग उन्नत होना चाहते उतने ही दुखी रहते, उतने ही शराबी कबाबी आए घोड़ा अशांति के शिकार होते। पति पत्नी से सरल रहो, पत्नी पति के आगे सच्चाई और सरलता, भाई भाई के आगे व्यापारी, ग्राहक के आगे ग्राहक, व्यापारी के आगे आनंद आनंद हो जाएगा, मंगल ही मंगल। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व भक्त की लगी किनारे नाव। जन्म मरण और दुखों के थपेड़ों से आपकी नाव किनारे लग जाएगी, भगवान के रस ज्ञान और माधुर्य के किनारे। जैसे रात्रि को गोभी खाने से गौमांस खाने जितना नुकसान, रात को गोभी की सब्जी खाना गोमांस के बराबर हानि करता है। रविवार को अदरक और लाल सब्जी आरोग्य की सत्यानाश करता है। पाचन बढ़ाना हो तो अजवायन सोंठ काली मिर्च का मिश्रण करके जरा सा चुटकी ले लो। पाचन सुबह ले लिया तो दोपहर का पाचन अच्छा हो। भोजन के बाद सीटी मारने से पेशाब संबंधी बीमारी नहीं होती। सीटी मारना मतलब भोजन के बाद पेशाब करने से बीमारी पेशाब संबंधी नहीं होती। तेज धूप में आकर तुरंत पानी पीने से स्वास्थ्य बिगड़ता है। हास्य का प्रयोग करने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। वायरस आदि के रोग दूर होते हैं। कैंसर आदि ट्यूमर आदि की कोशिकाएं स्वच्छ और बलवान ट्यूमर नहीं होने देती। ट्यूमर की वृद्धि को हास्य रोकता है। ग्लूकोस नियंत्रित होता है। हास्य से बहुत सारे लाभ होते और उस हास्य में भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी। अब ऋतु परिवर्तन सर्दियों के दिन आएंगे। परसों से शरद ऋतु शुरू हो गई, शारदीय ऋतु पूर्ण हो गई, अब तो जाड़ा शुरू होगा। शरीर पुष्ट रहे मन भी पुष्ट रहे, लेकिन भक्ति और ज्ञान उससे भी ज्यादा पुष्ट रहे। नहीं तो ये शरीर और मन पुष्ट हुए तो फिर क्या हो गया, और काम विकार में और भोग में फंसेंगे। ज्ञान और भक्ति और पुष्ट करे जिससे शरीर निरोग रहे। शरीर का पहलवान होना मोटा होना जरूरी नहीं है। ज्ञान सूक्ष्म हो, बुद्धि से रस बढ़े, शरीर स्वस्थ रहे। भगवान एक ऐसे व्यापारी है कि उनका हृदय सदा लालायित होता है हमारा सर्वांगी विकास करने के लिए। जैसे लोहे के पात्र में दूध, तांबे के पात्र में पानी लीवर के रोगों को दूर रखता है और हेमोग्लोबिन बढ़ाता है, रक्त बढ़ाता है। लेकिन सरसों की सब्जी, सरसों का साग स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। उड़द की दाल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती, लेकिन
मूंग की दाल फायदा करती। पढ़ते समय अगर बच्चों को आलस्य होता है, नींद आती है, तो उसके कमरे में हरे रंग के पर्दे लगा दो, तो आलस्य और नींद गायब हो जाएगी फालतू की। पढ़ाई के पहले 21 बार सारस्वती मंत्र पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई में आगे आएंगे, पक्की बात है। पलाश, बेल पत्र और घी शक्कर मिलाकर मिश्रण करके उसका हवन करने से बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाता है। कमरा बंद करके उसी का धूप मिलेगा। पलाश, बेलपत्र, पलाश के पत्ते, बेलपत्र, गाय का घी और शक्कर मिलाकर थोड़े दिन हवन करें, बुद्धू भी बुद्धिमान हो जाए। परीक्षा में जाते समय दही और शक्कर मिलाकर थोड़ा सा बच्चों को दो, केसर का तिलक कर ले, आह मार्क अच्छे लाएंगे और प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ये कौन सा व्यापारी मुझे प्रेरित करता और ग्रंथों में से निकलवाता और आपके तरफ ले आता है? कौन सा व्यापारी? प्रतिपल कंपायमान हो रहा है जिसका हृदय मंगल 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 मंगल, भलाई भला भलाई भला। मित्र देके उत्साहित करता है, शत्रु देकर अहंकार की तोड़ने की चपत लगाता है। सत्संग देकर दोनों मित्र और शत्रु के भावों पर पैर रखकर समता के सिंहासन पर ले जाता है। वो कौन है? परमेश्वर। ये सबसे बड़ा कौन है? संकल्प से बड़ा कौन है जो इधर से उठाकर वहां बिठाने की प्रेरणा दे रहा है? वो कौन है? मोटा पेट है, उसको नियंत्रित करने के लिए पेट की गोली खाना चाहिए, ऐसा कौन बुलवा रहा है? मोटा पेट नियंत्रित हो जाए और हार्ट अटैक और बाईपास सर्जरी से छुटकारा मिल जाएगा। किसी को प्रेरित किया कि बापू के नेत्र बिंदु इतने लोग लेते हैं, बाढ़ डालते हैं, निःशुल्क मिलते हैं और कुछ बदनाम करने को नहीं मिला तो नेत्र बिंदु खराब है, ऐसा करके छापा लगवा दिया। फार्मेसी गोधरा की, बापू की फार्मेसी में ये है वो है, एक्सपायर डेट नहीं है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधियां एक्सपायर्ड हो तभी तो एक्सपायर डेट लिखे ना बुद्धू। हरड़ कहां एक्सपायर्ड होती है? अमुक आयुर्वेदिक चीजों की एक्सपायर डेट कहां लिखनी होती? कुछ नहीं मिला तो नेत्र बिंदु 56 जब्त कर लिए, सील लगा के गए, लेबोरेटरी में चेक करो, फलाना करो, ढींगड़ा करो, आखिर लेबोरेटरी वालों को बेचारों को क्लीन चिट देनी पड़ी और नेत्र बिंदु तो बटते ही रहेंगे और अभी भी बटेंगे। कौन उनको प्रेरित करता है कि लो मुंह की खाओ, बापू के यहां छापा डलवाओ और फिर ऊपर से दबाव भी पड़ा कि नेत्र बिंदु गलत साबित करे, लेकिन उनके हृदय में कौन बैठा है? हमने एक पैसा भी नहीं दिया। व्यासपीठ पर हम बोल रहे कि हमारे नेत्र बिंदु को क्लीन चिट दे, ऐसे लेबोरेटरी वालों को हमने एक पैसा भी दिया नहीं, और फिर भी उनको क्लीन चिट किसने दिलवाई? वही व्यापारी ने। हिंदु आपके सरकारी तौर से तरीकों से जांच की, पड़ताल की, ताकि खारिज किए जाए, लेकिन खारिज नहीं हुए। बैक्टीरिया नील है, बुरे नहीं अपने नेत्र बिंदु, क्लीन चिट मिली। ये कौन है व्यापारी? वही व्यापारी, वो परमेश्वर। बुरे से बुरे आदमी में भी एक अच्छी मंगलकारी ऊंचाई की योग्यता छुपी रहती। वास्तविक में व्यक्ति तत्व रूप से बुरा होता ही नहीं। कोई इंसान, कोई जीव वास्तविक में बुरा नहीं होता। बुराई आगंतुक है, कोई उत्तेजनाएं भर देता है, कोई कुसंस्कार भर देता है, अथवा अपनी लघु ग्रंथि को पकड़ लेता है। बुराई आने जाने वाली है, सदा रहने वाली नहीं है। सदा रहने वाला ठोस तत्व है। उसे अल्लाह कह दो, राम कह दो, गॉड कह दो, जो आपकी मौज है,
लेकिन है सबसे संकल्प से भी बलवान कोई है, जिससे संकल्प फल फल के विफल हो जाते, और वो भगवान। मैं तो भागवत का श्लोक कल रात को सुन रहा था, 12, 1, 1.5, 2 बजे तक। मैं तो बड़ा आनंदित होकर सोया। खैर, अब मैं उस व्यापारी के बारे में बोलूंगा ना तो मेरा हृदय भर जाएगा। कैसा हो व्यापारी, कैसा व्यापार करके बैठा है, कैसी दुकान लगवा के बैठा है, अपने प्रसाद को बांटने बेचने के लिए मेरे अंतःकरण में कैसी गुलगुलियां करता है, और आपके दिल में कैसा आकर्षण करता है, वो कैसा व्यापारी, कैसा सेल्समैन है, अपना भक्ति रस देने के लिए कैसा व्यापार का दुकान लगा दिया प्रभु ने, मंदिर बनवाए, मस्जिदें बनवाई, चर्चे बनवाई, मां के हृदय में वात्सल्य भर दिया, पिता के हृदय में क्या भर दिया, अनुशासन वाले बन दिया, इधर उधर चलाता लाठी चलाने वाले बना दिए, फिर माफी मांगने वाले भी हो गए, हमारे साधकों को कोई भीड़ भाड़ में ले गए और अच्छी तरह से उसको सुनाया खूब, हमारा साधक चुप बैठा, फिर वही लोग उनसे माफी मांगने लगे कि भाई हमको पता नहीं था, माफ करना, तुम तो बापू के शिष्य हो, हम इतना इतना तुमको सुनाया। बोले साहब कोई बात नहीं, ऐसी जगहों का ऐसे जिनसे माफी मांगा उन लोगों को मैं लाके यहाँ अभी खड़ा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ आप विश्वास कर लेते। कैसा है पुलिस के अधिकारी समय इधर आप क्या है, यहाँ भी ये कलम चल रही है। इस पूनम के अगली पूनम द्वारका था और उससे अगली नोएडा था, उस इलाके में कर्फ्यू है, टीवीओ में आता था नोएडा में कर्फ्यू, नोएडा में कर्फ्यू, बापू की भीड़ न जमे, लेकिन कितनी सारी भीड़ उस परमेश्वर ने कराई। और नोएडा में जिस सेक्टर में कर्फ्यू था कर था, बाकी के सेक्टर में तो ऐसा ही दरिया लहरा रहा था। मुरादाबाद में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, और घंटों भर लोग बैठे रहे, कंपनी बाग में लोग ताजुब कर गए इतनी भीड़। फिर मुरादाबाद से चंदोसी आए, दूसरी जगह आए, जहां देखो लोग 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 लोग, हमें पूर्व नियोजित कोई प्रोग्राम भी नहीं था, सड़कों पे लोग बापू का दर्शन, पहले जितने लोग आते थे उमड़ते थे उससे ज्यादा आ रहे। ओम नमो, वो कैसा व्यापारी है, मेरे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कैसा कैसा लीला करता, मेरा व्यापार नहीं उसी व्यापार का व्यापारी। ईश्वर का हृदय द्रवीभूत होता रहता है, कंपायमान होता रहता है कि कैसे इन जीवों को उन्नत करूं, उठाऊं 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 उठाऊं, ये आपको उठाने के लिए सारी लीला कर रहा है लीलाधार। हरिओम हरिओम हरिओम। जो सत्संग में आए मैं शिव जी के तरफ से उनको धन्यवाद देता। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्तता, यत्र स्यात् गुरु भक्तता।